नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब मिठाई, बिना घी के और बिना चीनी के, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इस त्यौहार पे ये मिठाई बनाएं अपने घर पे, सबसे सस्ती सबसे चीप ये मिठाई, और सिर्फ 5 से 10 मिनट में इजीली से घर पे तैयार हो जाती है। तो आइए मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लिया है एक पैन और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये सूजी। तो मैंने ये आधा कप सूजी इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं करती हूँ ड्राई रोस्ट। तो हम सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे। तो सूजी को मैंने लगभग 2 मिनट तक सेक लिया और ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और इसके अंदर से भिनी भिनी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सूजी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 1 मिनट तक अभी मैं इसको हिलाऊंगी क्योंकि हमारी जो पैन है वो गर्म है तो हमारी सूजी जले नहीं। इसको हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो मैंने लिए हैं 6 पीस अंजीर के, थोड़ा सा गुड़। तो इसको हम थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैं अंजीर को इस तरह से कट कर रही हूँ। इसी तरह से सारी अंजीर को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। इस तरह से हमें कट कर लेना है। इसके बाद में जो ये गुड़ है इसको भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो गुड़ को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से हम इसको पूरे गुड़ को, जितनी भी मात्रा में आपको मीठा चाहिए ना उतना आप गुड़ ले सकते हो। मैंने इस नई मिठाई के लिए 2 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के लिए हैं क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं करना है, न तो इसमें घी होगा न इसमें चीनी होगी। गुड़ की मिठाई है, इसे हर कोई खा सकता है। तो ये मैंने गुड़ को इस तरह से चाकू से ग्रेट कर लिया है और इसी तरह से अंजीर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो पूरी को हमने देखिए इस तरह से ग्रेट कर लिया है। हमारे यहाँ कटे हुए अंजीर के पार्ट्स और गुड़ के पार्ट्स को हम जार के अंदर डाल देते हैं और साथ ही में हम डालेंगे रोस्ट की हुई सूजी को। तीनों को हम अच्छी तरह से जार के अंदर पीस लेंगे, इसका दरदरा सा बुरबुरा सा पाउडर बना लेंगे। तो मैंने इसको पीस लिया है। तो अभी आप देख सकते हो, देखिए इतना बढ़िया जो इसका जो बैटर है ना बन करके तैयार हो गया है हमारा। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया बैटर बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह का हमें बैटर चाहिए इस मिठाई को बनाने के लिए। तो आप भी गुड़, अंजीर और सूजी को मिक्स करके और इस तरह का बैटर बना ले और मीठा आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा आप थोड़ा गुड़ की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हमारा जो बैटर है वो तैयार है। तो इस तरफ मैंने गैस पे वापस पैन टिका दिया है। पैन के अंदर डालूंगी मैं दूध। तो यहाँ पे हमने मैंने मलाई वाला दूध और मैंने पैन में 250 ml दूध डाल दिया है और ये मलाई वाला दूध है। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक हम इसको उबाल बॉईल कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इस कंसिस्टेंसी पे हम जो ये हमारा मिक्सचर है वो डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब भी हम इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। इसे हमारी मिठाई का कलर बहुत ही प्यारा आएगा और ये मिठाई खाने में इतनी टेस्टेड है, दानेदार मिठाई, बिल्कुल इसका सूजी की तरह रवा रवा दाना दाना होगा मिठाई के अंदर, और टेस्ट के अंदर तो कोई भी नहीं कह पाएगा कि आपने घर पे बनाई है क्या, इतनी मज़ेदार ये मिठाई बनेगी। तो देखिए जो बैटर है वो बिल्कुल गाढ़ा होने लगा है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप हाथ से चेक कर लीजिएगा, हाथ से थोड़ा सा बैटर लीजिएगा, जब ये गोल गोल बोल सी बनने लगे तो बैटर तैयार है। तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद हम इसको बेलेंगे। बैटर की एक लोई बना लेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसको लोई से बना लिया है और इस तरह से इसको प्लास्टिक पेपर पे बीच के अंदर रख करके, प्लास्टिक पेपर को थोड़ा सा चिकना कर ले, बीच में इसको रख करके बेलन से भी बेल सकते हो और या किसी आप बाटी की सतह पे से भी इसको फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी आपकी मोटी मिठाई रखनी हो ना उतना आप इसको मोटा रख लें और फिर इसको बेल लें। इसके बाद आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगा करके और इस तरह से वो गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी। तो आप लगाए ड्राई फ्रूट्स, कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। मैंने इसलिए मिठाई अच्छी लगे, अच्छे लुक में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब हम एक कटर की सहायता से इस तरह से गोल गोल इसकी बर्फ़ी की कटिंग कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है और ये बहुत सुंदर लगती है, और इसको आप स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करूँगी अच्छे से और इसके बाद में मैं इसको गत्ते की डब्बी में भर करके रख सकती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल से तैयार है। तो मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया, कितनी अच्छे लुक के अंदर है, बहुत बढ़िया बनी है और टेस्ट तो गजब का है। तो आप भी बनाइएगा, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी मिठाई कैसे बनी। मेरी मिठाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।